हेलो स्टूडेंट, नाउ अवर टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का होमवर्क दिया था उसमें एक दो सम ऐसे हैं जो आपकी कैपेसिटी के बाहर थे, मीन्स लाइक एक्स साइन इनवर्स एक्स या एक्स कॉस इनवर्स एक्स या एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो आज टॉपिक खत्म करने के बाद वो सम को भी मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये टॉपिक हमारी एक्सरसाइज में कंबाइंड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपरली आप ऑब्जर्वेशन करो तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से डेवलप हो रखा है। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही डेवलप हो रखा है। तो स्टूडेंट, ध्यान से उसका प्रूफ देखो। प्रूफ एग्जाम में कभी आने वाला नहीं है, लेकिन दैट इज एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे फॉर्मूला बनता है। और यहां पर एक बात मुझे और बोलनी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो इंटीग्रेशन के वीडियो है मैं लास्ट टाइम के वीडियो नहीं देखूंगा और आगे चले जाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं बनेगा। अगर आप वन बाय वन वीडियो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप आज का वीडियो देखा उसके बाद कल का वीडियो देखना है, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का टॉपिक आपके लिए हार्ड हो जाएगा। इजी है लेकिन रेगुलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहले I equals to integration e raised to x f of x plus f dash x dx। Now addition subtraction में integration को हम अलग कर सकते हैं और e raised to x को अंदर entry देते हैं। This is integration e raised to x f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इसको मैं देता हूं नेमिंग आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। प्रॉपरली इसको हैंडल करो तो सबसे पहले मैं आई वन का सिंप्लीफिकेशन देता हूं, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, इट इज डन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई लेट। आई लेट दैट इज द फैसिलिटी, यू डेरिवेटिव इजी, वी इंटीग्रेशन इजी। तो नाउ स्टूडेंट, यहां पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आईलेट के अंदर e रेस टू x सबसे लास्ट है, तो यहां पर हम e रेस टू x को v बोलते हैं और f ऑफ x को बोलते हैं u। e रेस टू x को बोलते हैं v और f ऑफ x को बोलते हैं u। नाउ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन दू तो मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, ध्यान से फॉलो करो, u that is f of x, integration v dx that is integration e raised to x dx minus integration d by dx of u that is f of x, integration e raised to x dx whole dx। जो integration by parts है, खंडसा संकलन है, उसकी ओरिजिनल फॉर्मूला लिखने की हैबिट डालनी है। फर्स्ट राइट डाउन ओरिजिनल फॉर्मूला, देन यू और वी को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करो और देन ये हमको लिखना है। अभी हम बोर्ड पर वो कर चुके हैं तो मैं डेली यू एंड वी का जनरल फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको नोट में वो फॉलो करना है। नाउ उसके बाद दिस इज एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स इज ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हुआ एफ डैश एक्स एंड दिस इज ई रेस टू एक्स डी एक्स। स्टूडेंट,
अगर इसको मैं वन नंबर कहता हूं, ये आई वन ये हुआ, तो टू सब्स्टिट्यूट इन वन। अगर आई को मैं आई वन प्लस आई टू बोलता हूं और मैंने आई वन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया है, तो ध्यान से देखो आई टू को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से ऑब्जर्वेशन कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ध्यान से अगर आप फॉलो करते हैं तो आई टू का सिंप्लीफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ आई वन फाइंड किया और आई वन को पकड़ के मैंने सब्स्टिट्यूट किया नंबर वन में। तो आई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन टू ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इन टू ई रेस टू एक्स डी एक्स, और आई टू की वैल्यू जो है हमारे पास प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये दोनों कट हो गया, तो I इक्वल्स टू मिला एफ ऑफ एक्स इन टू ई रेस टू एक्स। अगर इसको पकड़ के हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको पकड़ के अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं I की वैल्यू, तो वो मिलेगा हमको इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन टू ई रेस टू एक्स प्लस सी। सी इज द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट यहां पर ये फॉर्म को ध्यान से देखो, व्हेनेवर ई रेस टू एक्स गिवन, व्हेनेवर ई रेस टू एक्स गिवन, और उसके बाद अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड है, अगर दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड है और वो कनेक्टेड फंक्शन में एक अगर प्योर फंक्शन है और दूसरा उसकी डेरिवेटिव है, यहां पर मैं एक सिंपल सम लिखता हूं इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, ये टू एक्स है, डी एक्स है, तो ई रेस टू एक्स विजिबल है, दो फंक्शन का एडिशन है और वो एडिशन में अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो 2x उसकी डेरिवेटिव है। तो द डायरेक्ट आंसर इज एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी, एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में समटाइम्स ये टॉपिक आता है, फॉर्म याद रखना जरूरी है। नाउ स्टूडेंट थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हेनेवर ई रेस टू एक्स इज देयर एंड ई रेस टू एक्स कनेक्टेड विथ टू फंक्शंस विच इज इन रिलेशन प्लस और माइनस, एक फंक्शन प्योर फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन उसका डेरिवेटिव है, तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। नाउ स्टूडेंट थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सम में आप देखो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई रेस टू एक्स है, दो फंक्शन का एडिशन है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मे बी ये ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो सकता है। तो अगर आपके माइंड में ये थिंकिंग आई तो उसको ट्राई करो। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखते हो तो आई करके इसको आगे जाना है, समटाइम्स यूज हो सकता है उसका, ई रेस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये हमारा फंक्शन है और ये हुआ हमारा फंक्शन की डेरिवेटिव। अगर ई रेस टू है और दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो मे बी देर इज ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। बाद में उसको ऑब्जर्वेशन करो तो पता चलेगा
कि tan इनवर्स x अगर फंक्शन है तो एफ डैश एक्स यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी डेरिवेटिव है. नाउ आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन दिस इज e रेस टू x एफ ऑफ एक्स दैट इज tan इनवर्स x प्लस c. जब भी आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे तो यहां रीजन में ये फॉर्मूला लिखना भूलना नहीं है. प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स दैट इज ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो स्टूडेंट इजी फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन हर टाइम ये इजी हो ये पॉसिबल नहीं है. ऐसा ही एक सम देखो, सम नंबर टू. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर e raise to x dx. अब स्टूडेंट e raise to x है और वो f of x plus f dash x है, ये जरूरी नहीं है. e raise to x integration by parts भी हो सकता है. तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये integration by parts है या फिर e raise to x f of x plus f dash x है. तो ध्यान से observation करो कि अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझते हैं तो ये e रेस टू एक्स हुआ हमारा v और ये हुआ हमारा u. और ध्यान रखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो u और v का सिलेक्शन है वो u और v सिंपल फॉर्म में होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए. क्योंकि u और v जितने कॉम्प्लिकेटेड होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो uv का फॉर्मूला लिखते हो उसका सॉल्यूशन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा. तो u और v जो होता है वो हमारे सिंपल फंक्शंस होते हैं. तो यहां पर बाय ऑब्जर्वेशन वो फेल हो जा रहा है. नाउ अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फेल हो रहा है तो 99.9% केस में ये e raise to x plus e raise to x f of x plus f dash x हो सकता है. तो मैं यहां पर सम को फॉलो कर रहा हूं. ध्यान से देखो, मैंने डिसाइड किया है कि मे बी 99.9% केस में ये e raise to x f of x plus f dash x है, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन by parts पॉसिबल नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक मैं इसको फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रहा हूं. ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स. ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स. नाउ दिस इज इंटीग्रेशन x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर. यहां सेपरेशन दिया और सेपरेशन देके ये हमारा रिजल्ट आया है dx. और ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर e रेस टू एक्स dx. यहां पर मैंने लॉजिक अप्लाई किया माइनस वन प्लस टू, और माइनस वन प्लस टू करके मैंने यहां पर सेपरेशन दे रखा है. नाउ एक्स प्लस वन स्क्वायर कैंसल, तो दिस इज रिमेनिंग पार्ट इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स. अब स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, यहां पर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो और माइंड में सोचो d by dx ऑफ x माइनस वन अपॉन x प्लस वन क्या होगा. तो कोशंट रूल, कोशंट रूल इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहां पर अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो दिस इज एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन ये कैंसल एंड एक्स प्लस वन होल स्क्वायर दिस इज टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर.
तो प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो तो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अगर ये फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन जो है टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर यानी कि फंक्शन की डेरिवेटिव है और अगर ये मिल गया तो दिस इज ई रेस टू एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है लॉजिकल हैवी भी हो सकता है लेकिन ये बात डिसाइडेड है कि अगर लॉजिक आ गया तो इस टाइप के सम बहुत हैवी नहीं हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट ये जो हमारा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला पर डिपेंडेंट होमवर्क करना है असाइनमेंट फॉलो करना है और यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसके रिलेटेड ये फॉर्मूला हमारा बना हुआ है उसको भी प्रॉपरली फॉलो करना है। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये तीन सम हमारे होमवर्क में थे। अब स्टूडेंट अभी हमारा एक वीडियो इसके बाद आई थिंक आएगा जिसमें हम तीन फॉर्मूला नए सीखने वाले हैं। हमारा वीडियो इसके बाद एक आने वाला है जिसमें हम न्यू थ्री फॉर्मूलास को फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम वो थ्री फॉर्मूला को फॉलो कर लेंगे तो ये सम हम वन और मोर देन वन टाइप से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अभी अगर मैंने वो फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दिया तो आपको कंफ्यूजन होगा तो अभी के लिए ये तीन सम्स को फॉलो नहीं करना है। एक वीडियो के बाद जब हम वो तीन फॉर्मूला सीख जाएंगे तब ये सब मैं रिवीजन में वापस रिपीट करूंगा। लिसन वेरी केयरफुली मैं रिवीजन में वापस रिपीट करूंगा। तो ये जो सम है हमारा x इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स ये जो हमारा सम है x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स एंड ये हमारा सम है x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब प्रॉब्लम ये आ रही है ये सम में अगर मैं ये जो सम है उसमें मैं u और v के फॉर्म में चले जाऊं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर दूं तो हमको वो थ्री फॉर्मूलास की जरूरत यहां पर नहीं होगी। लेकिन जब मैं ये और ये वाला सम करूंगा तो मुझे वो थ्री फॉर्मूलास की जरूरत होगी जो अभी हमने नहीं करा है। तो अभी के लिए ये सम को पेंडिंग रखो ये हम लेंगे रिवीजन वीडियो में। आई थिंक सैटरडे तक हम ये ले लेंगे तो उस टाइम पर मैं स्पेशली इंडिकेट करूंगा कि हमने अब ये फॉर्मूला कर ली है अब इस पर ये सम करो तो वो ज्यादा हमको यूजफुल रहेगा। अभी मैंने अगर ये बताया तो वो लर्न बाय हार्ट करने जैसा हो जाएगा तो थोड़ा वेट करना है नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के अंदर इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा।